के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रीवा में मासूम को बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। 18 घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 60 फीट हो चुकी है सुरंग की खुदाई, जहां बोरवेल तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रीवा में मासूम को बचाने की कोशिश जारी है, 18 घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 60 फीट हो चुकी है सुरंग की खुदाई, बोरवेल तक पहुंचने के लिए बनाई गई है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, जहां पर आप देखेंगे कि जो रेस्क्यू टीम है वो कड़ी मशक्कत भी कर रही है ताकि जल्द से जल्द मासूम तक पहुंचा जा सके, मासूम मयंक को बचाया जा सके। तमाम जद्दोजहद के बीच में ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आप देखेंगे कितनी मशक्कत की गई है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और अब ये जाँच की जा रही है कि कब तक इस मासूम तक पहुँचा जाएगा। बोरवेल तक पहुंचने के लिए सुरंग तो बना दी गई है, लेकिन अब उस सुरंग से और कितनी दूरी बची है अब ये भी देखना होगा, क्योंकि मासूम कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई ज़रूर की जा रही है और देर रात ये बच्चा गिरा हुआ था, लेकिन अभी तक इसका कोई मूवमेंट नहीं हुआ। हालांकि जब वो गिरा था तब ज़रूर वो बाहर निकालने के लिए कह रहा था, लेकिन और सीधे रुख करेंगे। संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गए। हरीश, अभी क्या स्थिति बनी हुई है और कितना वक्त, चूंकि हम तस्वीरों में तो देख पा रहे हैं बहुत बड़ी सुरंग बना दी गई है, लेकिन और कितनी दूरी बची है बच्चे तक पहुंचने में? हरीश, बिल्कुल जिस तरीके से सुरंग जो बनकर तैयार हो चुकी है वो तकरीबन 40 फीट उसकी गहराई बताई जा रही है, हालांकि जो कुल बोर की जो गहराई है वो 60 फीट है और आंका ये जा रहा है कि अब जो 40 फीट की गहराई का जो सुरंग बना दिया उसी सुरंग के रास्ते जो SDRF या NDRF की जो स्पेशल टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो वहां तक पहुंचेगी और वहां पहुंचने के बाद रेस्क्यू करेगी। हालांकि अब जो खुदाई का काम था, मिट्टी खुदाई का काम था, वह जो मशीनों से चल रहा था उसे बंद करा दिया गया है। अब जो SDRF या NDRF की जो स्पेशल टीम है उसके जो लोग हैं वो अपने हाथों से अंदर की मिट्टी खोदेंगे और वहां से उसको खुदाई करने के बाद उसमें एक छोटा रास्ता बनाया जाएगा। उसके लिए एक जो है तो बड़ा सा मोटा एक पाइप जो है तो लगाया जा रहा है, उस पाइप के जरिए ही वहां मयंक तक पहुंचने की जद्दोजहद जारी है। हालांकि मयंक का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिस लिहाज से उसके परिवारजन हैं जिनका रो रो के पूरी तरीके से बुरा हाल हो चुका है और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, जो लगातार और दावा किया जा रहा है कि अगले 2 घंटे के अंदर जो SDRF NDRF की टीम है वो टीम वहां तक पहुंच जाएगी। हरीश, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे स्तब्ध हो जाते हैं या फिर यूं कहें कि बेहोश हो जाते हैं तो कोई मूवमेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, क्या ऐसी कोई भी हलचल कि बच्चा सांस भी ले रहा है, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, अभी चिकित्सकों की टीम से जो है तो बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि अंदर जो है तो बच्चा तो है लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो लगातार की जा रही है। हालांकि जिस कैमरे से उसकी निगरानी की जा रही थी उस कैमरे में उसका कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी प्रशासनिक लिए चिंताजनक बात हो गई थी, लेकिन प्रशासनिक अभी अंदर से ढाड़स बांधा हुआ है और दम भर रहा है कि अभी सब कुछ ठीक ठाक है और ऑक्सीजन सप्लाई जो है तो लगातार मयंक तक की जा रही है। लेकिन जो कैमरा अंदर डाला गया है, जो जिस कैमरे के जरिए जो प्रशासनिक टीम निगरानी की बात कर रही है, उस कैमरे में कहीं भी वो बच्चा जो मयंक है जो अंदर बोरवेल में फंसा हुआ है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा चिंताजनक की स्थिति बन गई है और यही कारण है कि उसके परिवारजन जो है वो काफी हताहत हैं। हरीश, इस स्थिति को भी स्पष्ट करिए, जो कि जो वीडियो हम देख पा रहे हैं, जो कैमरा लगाया गया है उसमें जो बरसाती कीड़े वो जरूर यहाँ वहां उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बच्चा उसमें नजर नहीं आ रहा है, क्या वो मिट्टी में दबा हुआ है? बिल्कुल, यही स्पष्ट करना चाह रहा था कि जिस तरीके से अंदर जो बोरवेल के अंदर की बात है वहाँ जो बरसाती कीड़े परेशान कर रखे हुए हैं और जो कचड़ा है, अगर कहते हैं घास फूस है, वो वहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ जो बच्चे का मूवमेंट है वो अभी कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हालाँकि जिस तरीके से बरसाती कीड़े वहाँ नीचे हैं, अगर ऐसे में अगर बच्चे तक पहुँचते हैं तो ये आसार लगाया जा सकता है कि वो कुछ न कुछ बच्चा मूवमेंट करता, लेकिन जिस तरीके से बरसाती कीड़े ऊपर ही हुए हैं तो ऐसे में बरसाती कीड़े के अलावा बच्चे का भी कोई मूवमेंट वहां अंदर नजर नहीं आ रहा है और यही कारण है कि प्रशासन की मुश्किल बढ़ती जा रही है। हालांकि ये दावा भी किया जा रहा है कि बहुत जल्द उसे बाहर निकाल लिया जाएगा, उसके तक जो टीम है वो पहुंच जाएगी, लेकिन कब पहुंचेगी और कब तक यह रेस्क्यू होगा यह कह पाना भी मुश्किल है। जी,
जी बिल्कुल, और ये बहुत ही दुखद खबर है कि बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा और इसके चलते कहीं ना कहीं हाथ पैर ढीले हुए माँ बाप ही नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक जो टीम है वो लगातार जुटी हुई है, एक ढांढस बंधाए हुए हैं पूरे परिवारजन को भी, और कोशिश की जा रही है कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। तकरीबन और कितना वक्त लगेगा हरीश? अभी देखिए, अभी जो प्रशासन की ओर से तैयारी कर ली गई है, एम्बुलेंस की टीम मंगा ली गई है, एम्बुलेंस यहाँ पहुँच चुकी है, डॉक्टरों की टीम यहाँ पहुँच चुकी है, और जो स्पेशल जो SDRF UNDRF की टीम है वो भी अब सुरंग के अंदर नीचे उतर चुकी है और नीचे उतर के वहाँ काम कर रही है। तो समझा सकता है कि अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो टीम है तो बैंक तक पहुँच जाएगी, या ये कहें कि बैंक तक अगर नहीं पहुँचती है तो बोरवेल के अंदर तक पहुँच जाएगी, तो उसके जरिए बोरवेल के रास्ते फिर अंदर पहुँचा जा सके। तो तमाम ऐसी चीजें हैं तो प्रशासन दुरुस्त कर चुका है और अंदर अब हाथों से खुदाई का काम भी चल रहा है। तो समझा जा सकता है कि अगले 1.5 से 2 घंटे में राहत भरी खबर निकलकर आ सकती है। हालांकि मयंक सलामत रहे, सब कुछ ठीक ठाक निकले, इसके लिए लोग अपने तौर तरीके से उसकी दुआएं भी मांग रहे हैं कि वो ठीक रहे और सुरक्षित बाहर निकल सके। बिल्कुल, दुआएं तो मांगने का दौर शुरू है ही, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि बच्चा सुरक्षित बाहर निकल आए। और लगातार, हालांकि इस पर संज्ञान लेने की भी सख्त जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हम देख पा रहे हैं हरीश, लगातार ऐसी खबरें हर दिन सामने आती हैं कि बोरवेल में या फिर बड़े गड्ढे में बच्चा गिर गया, अब उसको निकालने के तमाम प्रयास किए जाते हैं, कई जगहों पर सफलता मिलती है, बच्चा सही सलामत बाहर निकलता, और कई जगहों पर एक निराशा हाथ लगती है, बहुत दुखद समाचार मिलता है। इस पर कोई एक्शन लिए जाने के बाद, कोई जांच के बाद, कि आखिरकार ये जो गड्ढा बना था इसे ढका क्यों नहीं गया? सबसे बड़ी लापरवाही यहीं पर होती है। बिल्कुल, ये गड्ढा जो है तो बहुत पुराना बोरवेल गड्ढा है, और जिस गड्ढे में जो यहाँ गेहूं की फसल लगी हुई थी, गेहूं की फसल मशीन से कटाई हो गई थी, कटाई के बाद जो तमाम जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, आदिवासी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, तो ऐसे में अपना भरण पोषण करने के लिए गेहूं की जो बाल होती हैं वो जो जमीन पर बिखर जाती हैं उसको यहाँ बीनने पहुँचे थे। तो उसके साथ कई बच्चे थे, 4-5 बच्चे थे, जो हालांकि जो मयंक जो बोरवेल में गिरा है वह बच्चा सबसे पीछे था, और जब वो गिरा है तो अपने दोस्तों से बचाने की गुहार लगाया था। अभी मेरी दोस्त से उसकी बात हो रही थी, दोस्त ने उसके स्पष्ट किया कि वो बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन करूं क्या, मेरे बस में था नहीं मैं उसे बचा सकूं, इस लिहाज से उसे बचाया नहीं जा सके, वो बोरवेल के अंदर समा गया है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए या सरकार की व्यवस्था की जाए, तो जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो प्रशासन जरूर कड़ा रुख अख्तियार करता है और जितने भी खुले बोरवेल रहते हैं उनको ढकाने का काम करता है। और समझा जा सकता है कि जब खुले, अभी कुछ महीने पहले घटना हुई थी जिसमें सरकार सख्त थी और तमाम जो बोरवेल जो खुले थे उनको ढका जा सके, इसके लिए कलेक्टर और तमाम राजस्व विभाग के पटवारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था, लेकिन उसका पालन जमीन पर नहीं हुआ। यही कारण है कि इस गांव में जो है तो देखने को मिला है, जहां गड्ढा जो बोरवेल है, अब समझ सकती हूं कि चारों तरफ का खेत है और खेत के पास वो बीच में बोरवेल है, तो आम पब्लिक भी उसमें जाके गिर सकता, कोई नहीं कि बच्चा गिरा है, और उसकी जो बोरवेल की जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 2 फीट से भी अधिक है। हालांकि इस क्षेत्र में पानी बहुत नज़दीक मिल जाता है, इस लिहाज से जो बोरवेल है उसकी गहराई जो है वो 60 फीट से अधिक नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रशासन के लिए राहत भरी बात है कि प्रशासन जो है तो 60 फीट के अंदर ही इसका रेस्क्यू कर लेगा। हालांकि अगर जो खुले बोरवेल की जो बात की जा रही, तो खुले बोरवेल को जो ढकाने का काम किया जाता है वो सही मायने पे सही तरीके से राजस्व अमला और जो जिले के कलेक्टरों को जो आदेश हुए थे, अगर वो किए होते तो आज ये घटना निकलकर सामने नहीं आती। जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर वक्त रहते से ढक दिया होता, क्योंकि काफी पुराना बोरवेल का ये गड्ढा बताया जा रहा है, तो इस तरीके की घटना नहीं होती। परिजनों से कोई बातचीत हो पाई है? मासूम बच्चे के घर वालों से कोई बातचीत इस दौरान? देखिए, मासूम बच्चों की घर वालों की हालत जो है वो बहुत मायूस हो चुके हैं और बहुत बिल्कुल रो रो के उनका बुरा हाल हो चुका है। हालांकि उनको सिर्फ इस समय ढाढ़स की जरूरत है, कुछ बता पाने में, कुछ कह पाने में वो सक्षम नहीं है कि हमसे कुछ बात कर सके। अगर उनसे बात भी करने की कोशिश की जाती है तो सिर्फ रोते भी रखते रहते हैं, तो उनको सिर्फ ढाढ़स देने की जरूरत है। हालांकि वो ढाढ़स और उम्मीद लिए ही जो है तो पूरी रात यहाँ टिके पड़े थे, और मैं तो देख रहा हूँ लगातार, जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तब से लगातार पूरी रात
चार परिवार के लोग यहाँ थे, प्रशासनिक लोग भी यहाँ थे और पूरी रात रेस्क्यू भी चला है। यही कारण है कि जो मिट्टी खुदाई का काम था वो प्रशासन ने बाखूबी पूरी तरीके से पूरा कर लिया है और अब जो है तो सुरंग के अंदर पहुंच गई है पूरी टीम और आसार है कि 2-3 घंटे के वक्त लगेगा, उसके बाद उसके बोरवेल के अंदर तक पहुंची टीम जो है वो पहुंच जाएगी और साथ ही जो मैंक है उसको भी वहां से। हरीश आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो मासूम बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, फिलहाल रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही है। अब जो खुदाई का काम है वो पूरा हो चुका है, अब एक बड़ा पाइप यहाँ पर डाला जाएगा और उसके बाद बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, मासूम को निकालने के तमाम प्रयास किए जाएंगे। एक निराशा इस बात की है कि बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक हौसला लेके ढांढस लेके टीम मौके पर मौजूद है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि मासूम बच्चे को निकाला जा सके। यहाँ पर तमाम जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और अब एक पाइप डालकर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और बोर के मुहाने पर क्यों कोई ढक्कन या फिर यूं कहे कि उसे ढका क्यों नहीं गया है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इनके आधार पर भी जांच की बात कही गई है। बोरवेल में गिरा हुआ है, उसका दोस्त मेरे साथ है और यही बच्चा था जिस वक्त को मैं बोरवेल पे गिरा है। कैसे गिरा है ये बताइए बाबू, कैसे गिरा है मैं उनको, जब मैं गिरा तो आप क्या कर रहे हैं? हाँ फिर गिरा तो फिर क्या हुआ? जब गिरा तो कुछ आवाज़ कर रहा था मैं, क्या कह रहा था? हाँ फिर आपको, आप लोग क्या किए? यहाँ कहाँ कमी है थे आप का दुनिया क्या गेहूँ? तो ये मैं इनका दोस्त है जो स्पष्ट बता रहे हैं कि हम यहाँ गेहूँ बिनने पहुँचे हुए थे और गेहूँ बिनते समय वो सब आ गए थे और पीछे पीछे चल रहा था और पैर घिसल जाने से बोरवेल में समा गया है। हालांकि वह निकालने की गुहार लगाता रहा और वही उसकी आखिरी आवाज़ थी कि बचा लो, लेकिन अब तक जो है तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 15-16 घंटे से अधिक बीत चुका है, लेकिन मैं इनका अब तक कोई पता